जिसने मुस्कुराने की अदा सीख ली उसने जीने की कला सीख ली। नमस्कार, आज हम लोग वेक्टर एडिशन साथ साथ सीखेंगे। वेक्टर एडिशन के बारे में लोगों का साफ मानना है कि कर तो लेते हैं लेकिन विजुअलाइज नहीं हो पाता। आज कोशिश ये रहेगी कि वेक्टर एडिशन हम लोग बड़े साफ सुथरे ढंग से विजुअलाइज भी कर पाएँ। तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन में आपको तीन लॉ हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। सबसे पहला लॉ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का जो स्टेटमेंट है वो साफ है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन द रिजल्टेंट इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, जैसा कि स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब यहाँ पर मतलब क्या है? सबसे पहले आपको दो वेक्टर मिल जाएंगे जिनको ऐड करने हैं। एक वेक्टर को ए एज्यूम कर लेते हैं, दूसरे वेक्टर को बी एज्यूम कर लेते हैं। जब दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो ऐड करने में आपको एक रेफरेंस वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो सबसे पहले हम लोग पिक्चर में ले आएंगे। आप चाहें तो ए को ले लें, आप चाहें तो बी को ले लें। चलिए सिक्वेंस में वेक्टर ए को ही रेफरेंस ले लेते हैं। ए वेक्टर हमारा रेफरेंस हो गया, हम इसको ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ करने के समय ध्यान देंगे कि ना तो इसका डायरेक्शन चेंज हो और ना ही इसका लेंथ चेंज हो, क्योंकि एरो जो है डायरेक्शन बता दिया, लेंथ मैग्नीट्यूड बता दिया। अब दूसरे वेक्टर को आप एक काम कीजिए, यहाँ से शिफ्ट करके लेके चलिए और शिफ्ट करके उसके हेड पे, और वही कंडीशन है, ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना ही डायरेक्शन, ना तो लेंथ और ना ही एरो, और इसके हेड के ऊपर आप ड्रॉ कर लीजिए। तो आप देखिए टू साइड्स हैज बीन टेकन इन सेम ऑर्डर, देखिए पहला दूसरा, और ये दो साइड ट्रायंगल के साइड्स हैं। अब हमको रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट के लिए हमको दो पॉइंट याद रखना होगा। एक तो आपको इनिशियल पॉइंट, एक फाइनल पॉइंट। वेक्टर साफ बोलता है, आपको इनिशियल और फाइनल को ही दिमाग में रखना है, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट को साफ आप ज्वाइन कर लीजिए ले जा करके, जैसा कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ये जब इनिशियल और फाइनल ज्वाइन कर देंगे तो ज्वाइन करने के बाद से आपको इस केस में ना तो ए दिखेगा और ना ही बी दिखेगा, दोनों में से कोई भी नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ ये आर दिखेगा। अगर इंडिविजुअल है तो ए और बी दिखेगा, और अगर इसको ला करके ज्वाइन करती है तो ए भी यहाँ पर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ रिजल्टेंट नज़र आएगा, और ये रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ये तो हो गया दो वेक्टर को जोड़ने का। हो सकता है आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर हों, तो फिर ट्रायंगल लॉ कैसे अप्लाई करेंगे? तो दो से ज़्यादा वेक्टर के केस में आप देख लीजिए, आपके पास मान लीजिए पहला वेक्टर ए है, सेकेंड वेक्टर इसी तरह से बी है, थर्ड वेक्टर सी है, और इस तीनों को जोड़ना है। वन सेकेंड, पहला वर्क तो आपको यही करना होगा, एक कोई रेफरेंस, चलिए सीक्वेंस में हम एक कोई रेफरेंस ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड और लेंथ को इक्वल रखते हुए ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरे वेक्टर को ड्रैग करके इसके हेड के ऊपर लाते हैं, और इसके हेड के ऊपर लाने के बाद से ये आपके पास दूसरा वेक्टर बी वेक्टर हो गया। ए और बी का हेड टेल ज्वाइन कर लें तो हमारे पास एक रिजल्टेंट मिलेगा, और ये रिजल्टेंट आर होगा, जैसा कि पिछले केस में देखा आपने, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अभी आपको सी वेक्टर को ड्रैग करके वहाँ से लेकर के आना है, जैसा है वैसा ला करके इसके हेड के ऊपर रखिए। यहाँ पर तीनों वेक्टर को एट ए टाइम नहीं जोड़ सकते, अगर तीनों वेक्टर को एट ए टाइम जोड़ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे ये लॉ मैं थोड़ी देर के बाद सिखा दूंगा। अभी आपको इनिशियल पॉइंट यहाँ पर मिला और फाइनल यहाँ पर मिला, इनिशियल को फाइनल से डायरेक्ट आप ज्वाइन कर लीजिए। इनिशियल को फाइनल से जब ज्वाइन कर देंगे तो एक नया वेक्टर दिख रहा है, आर डैश वेक्टर बोल दीजिए। अभी अगर आप यहाँ पर इस दोनों वेक्टर को भूल जाइए तो देखिए फिर से ट्रायंगल लॉ ही फॉलो हो रहा है, यानी अभी आप आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिखेंगे, और ऐसे केस में आर वेक्टर आपके पास पहले से ही ए वेक्टर प्लस
बी वेक्टर था और प्लस यहाँ पर सी वेक्टर भी हो जाएगा, यानी आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू दिस मच। हो सकता है कि आपको और भी वेक्टर मिले, जितने मिलेंगे वन बाय वन करके आप ऐड करते जाइए, यही है ट्रायंगल ऑफ एडिशन। ओके, अभी देखिए ट्रायंगल ऑफ एडिशन में हम टू वेक्टर एट ए टाइम ले रहे हैं। ये टू वेक्टर आप इसको मान लीजिए, रिजल्टेंट इसका अगर आप फाइंड करेंगे तो ऑलवेज इस तरह से कहीं पर आएगा। रेड वाले का हेड मान लीजिए कि ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, और एक बात आपको दिख रहा होगा, दोनों वेक्टर जिस प्लेन में रहेंगे रिजल्टेंट उसी प्लेन में रहेगा। अब प्लेन की बात जब समझाने की है तो यहाँ पर मैं समझा दूँ, जैसा कि मैंने इसको यहाँ दिखाया है, ये थ्री डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, किसी को भी एक्स, किसी को भी वाई, किसी को भी जेड मान लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। चलिए इस रेड वाले को एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं, इसको जेड मानते हैं। अगर आपका दो वेक्टर ए और बी एक्स और जेड प्लेन में है तो रिजल्टेंट भी आप देख लेंगे, जो रिजल्टेंट दिख रहा है वो भी आपको इसी प्लेन में मिलेगा, ठीक है, सेम प्लेन में। अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर एक्स और वाई में है तो रिजल्टेंट भी आपको एक्स और वाई प्लेन में ही मिलेगा, या अगर ये वाई जेड प्लेन में दो वेक्टर हैं तो रिजल्टेंट भी आपको उसी प्लेन में मिलेगा। तो एक बात याद रखें, अगर दो वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से ऐड कर रहे हैं या किसी भी लॉ से ऐड करेंगे और दोनों वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में लाई करेगा। अब एक तीसरी पॉसिबिलिटी की बात कर ले रहे हैं, मान लीजिए कि ये दो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में थे और एक तीसरा वेक्टर इसका रिजल्टेंट हमको कहीं पर मिल गया लाइक दिस, और हमको अभी एक तीसरा वेक्टर भी ऐड करना है। ये देखिए इसके हेड पे हमारा तीसरा वेक्टर यहाँ पर है। अभी अगर आप रिजल्टेंट ज्वाइन करेंगे तो ये जो फिंगर जहाँ पर मैंने होल्ड करके रखा है, ये आपका इनिशियल पॉइंट होगा और ये पेन का टिप फाइनल पॉइंट होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर अभी इसको ज्वाइन करने पे आपको मिलेगा और ये डिफरेंट प्लेन में हो सकता है, होगा। ओके, तो अगर दो वेक्टर तो हमेशा ही सेम प्लेन में होंगे, तीसरा वेक्टर अलग प्लेन में है तो आपको रिजल्टेंट अलग प्लेन में मिलेगा, और अगर तीसरा वेक्टर कोप्लेनर है मतलब सेम प्लेन में है तो सेम प्लेन में ही आपको रिजल्टेंट भी मिलेगा। तो यहाँ पर थ्री डायमेंशनल स्पेस में कभी कभी हम लोगों को दिक्कत ये आती है कि कैसे इसको विजुअलाइज करें, कैसे इसको सोचें। तो आप हमेशा ही आप अपने थ्री फिंगर्स को यूज कर सकते हैं। थ्री फिंगर्स आपके एक्स वाई जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट मान लीजिए, प्लेन में जो दो वेक्टर दिया हुआ है आपके पास पेन मार्कर जो भी होगा उसको अरेंज कर लीजिए, और अरेंज करने के बाद से ज्वाइन करके आप तीसरा डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, प्लेन भी पता कर सकते हैं, रिजल्टेंट का क्या डायरेक्शन फाइनली होगा ये पता चल जाएगा। ओके, तो ये तो बात हो गई ट्रायंगल लॉ की। अब अगर हम बात करते हैं दूसरा, ट्रायंगल लॉ में हमने एक और बात की, यहाँ पर देखिए ज्वाइनिंग जो हो रहा है यहाँ पर दो वेक्टर का, एक तरह से हेड और टेल है ना, पहले का हेड और दूसरे का टेल ज्वाइन हो रहा है। तो यहाँ पर हेड टेल ज्वाइन होगा, टेल टेल ज्वाइन नहीं होगा, या हेड हेड ज्वाइन नहीं होगा जब आप ट्रायंगल लॉ यूज कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है, नेक्स्ट आपको जो सीखना है वो बेसिकली क्या है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये आपके पास पैरेललोग्राम, समझने वाले आगे चल के समझ लेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ भी अलग लॉ नहीं है, होने को ये ट्रायंगल लॉ ही है, और ये किस तरह से है ये आप दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि अगर आप ट्रायंगल लॉ को अडॉप्ट करते हैं तो एंगल लेने की बात आएगी दो वेक्टर के बीच में, और दो वेक्टर के बीच में जो एंगल आप लेना चाहते हैं वो एक्चुअली हेड और टेल के बीच में एंगल नहीं होगा, वो आपको इस वेक्टर को थोड़ा शिफ्ट करना होगा और यहाँ जो एंगल बन रहा है इस तरफ इसको लेना होगा। तो बार बार अगर हम इस एंगल को थीटा माने तो ये आपका 180 माइनस थीटा एंगल लेना पड़ेगा। ओके, हो सकता है इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो, इसलिए हमको फिर से वही दो वेक्टर ऐड करने हैं। अब ऐड करने के लिए
हम हेड टेल ज्वाइन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों का इनिशियल पॉइंट मतलब टेल और टेल को ज्वाइन करेंगे। ओके, यहाँ भी स्टेटमेंट उसी के जैसा होगा जैसा आपने पढ़ा था ट्रेंगलों में, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट देन द रिजल्टेंट इज कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगनल ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन फ्रॉम दैट पॉइंट। ओके, अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक काम कीजिए, फर्स्ट वेक्टर फिर से रेफरेंस लेकर के ड्रॉ कर लीजिए, और फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ कर लिया, इस वेक्टर को आप ए वेक्टर बोल दीजिए। दूसरा वेक्टर आपको ड्रॉ करना है, इसके हेड के ऊपर नहीं ले जाना है, आपको बस एज इट इज टेल से ज्वाइन कर लेना है, ये आपको बी वेक्टर हो गया। अभी आपको रिजल्टेंट चाहिए, तो जब तक आपको डायगनल नहीं मिले तब तक आप रिजल्टेंट नहीं फाइंड कर सकते, और डायगनल के लिए साइड्स को क्लोज करना होगा। साइड्स को क्लोज करने के लिए हम ए वेक्टर का एक क्लोन बनाएंगे, और ए वेक्टर का क्लोन बना करके इसको इसके हेड के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। ओके, ये आपका ए वेक्टर ही है। अच्छा, वेक्टर के बारे में आपको मालूम है कि जब तक उसका लेंथ और डायरेक्शन सेम हो वो वेक्टर सेम ही होता है, उसी तरह से बी वेक्टर का भी एक क्लोन बना करके ए के हेड के ऊपर से ड्रॉ कर देंगे, और ड्रॉ करके मिला लेंगे, हमारे पास यहाँ पर बी वेक्टर भी आ गया। अब डायगनल फ्रॉम दिस पॉइंट लेना है, तो ये डायगनल जो लेंगे, ये डायगनल आपको रिजल्टेंट बताएगा, और ये रिजल्टेंट कितना होगा, आर के बराबर, जैसा कि पहले भी आप ले रहे थे, आप इसको आर वेक्टर ले सकते हैं। ये आर वेक्टर रिजल्टेंट मतलब सम ऑफ टू वेक्टर्स है। अब देखिए, अगर आप ऊपर से साइड्स को कवर कर लेंगे तो आपके पास फिर से वही ट्रायंगल नज़र आ रहा है, यानी अब फिर से आपको लिखने की बात आएगी, तो आप क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर आप नीचे से कवर कर लेते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर पहले बी और बाद में ए ऐड हुआ है, यानी बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसलिए आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ओके, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए वेक्टर। तो पैरेललोग्राम लॉ में आपको क्या हुआ, रिजल्टेंट वही मिल गया, लेकिन रिजल्टेंट डायगनल से रिप्रेजेंट किए। और एक और ख़ास बात, यहाँ एंगल के लिए आपको ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से दो ट्रायंगल के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा मिल जाएगा इनिशियल टू इनिशियल, और यही एंगल हम लोग आगे ले जा करके कंटिन्यू भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो एडिशन हुआ है वो टेल टेल हुआ है। अच्छा, अगर आप इस लॉ से और वेक्टर ऐड करना चाहते हैं तो फिर से वही तरीका है जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। सपोज़ कीजिए कि आपको सी वेक्टर भी ऐड करना है, तो इसके ऊपर आप सी वेक्टर को ले लेंगे, फिर रिजल्टेंट के लिए यहाँ से ज्वाइन करेंगे, तो आपको यहाँ पर रिजल्टेंट फिर से नया मिल जाएगा। ट्रायंगल लॉ और वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का समस्या क्या है कि इसमें सिर्फ टू वेक्टर एट ए टाइम इजीली एडेड होते हैं। अगर दो से ज़्यादा वेक्टर हों और उसको ऐड करना हो तो उसके लिए आपको अगला लॉ पढ़ना पड़ता है, दैट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपको क्या है कि इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स, यहाँ पर दो नहीं दो से ज़्यादा हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वैसे केस में द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट साइड, द लास्ट क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ओके, जैसे अब ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, इससे ही शुरू करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पर अगर आपको दो वेक्टर ऐड करने हों तो सबसे पहले आप ए वेक्टर ले लीजिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखते हुए बी वेक्टर को ड्रॉ कर लीजिए एज इट इज, और अब इस पॉलीगन को, ये ओपन पॉलीगन हो गया, टू वेक्टर्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर। ओके, आपको क्लोज करना है, क्लोज लास्ट साइड से करना है।
अगर आपने इसको क्लोज करने के लिए इस तरह से लेकर के यहाँ ज्वाइन किया होता, मतलब ऑर्डर सेम हो जाता है। तो यहाँ ये बोल रहा है कि जो क्लोजिंग साइड है और रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा ये अपोजिट होगा, टेकन अपोजिट ऑर्डर स्टेटमेंट में दिख रहा है। यानी ये रेड वाला मार्कर से जो मैंने ड्रॉ किया, ये रिजल्टेंट आर वेक्टर हो जाएगा, और आर वेक्टर इज इक्वल टू आप लिख सकेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। होप ये क्लियर है। तो ये देखिए लास्ट साइड जो आपने ज्वाइन किया, जिसने पॉलीगन को, ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, कंप्लीट किया, उसने आपको रिजल्टेंट दे दिया। बस जो ऑर्डर रखना है वो अपोजिट रखना है, पहले वाले का पैटर्न ए और बी का ऑर्डर सेम था। इस तरह से अगर आपको पिछले केस में जैसे तीन वेक्टर ऐड किए थे, तो अब आपको बीच वाले इंटरमीडिएट को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, पहले इंटरमीडिएट को ड्रॉ करके चल रहे थे, वो ड्रॉ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम लोग सीधे जो वेक्टर्स हैं उससे ओपन पॉलीगन बना लेंगे सेम ऑर्डर में रखते हुए, जैसा कि आपने यहाँ पर किया है। और अब आपको करना क्या है, थर्ड साइड लेना है, और थर्ड साइड शुड बी, सॉरी, लास्ट साइड लेना है, और लास्ट साइड शुड बी इन अपोजिट ऑर्डर। और ये डायरेक्ट आपको मिल गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस मच। तो इस तरह से आपके पास कितने भी वेक्टर होंगे, ओके, नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं आपको ऐड करना है, ठीक है, आप सिंपली एक देख लीजिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, इस तरह से पांच वेक्टर हैं, इसको ऐड करना है। अब आपको ट्रायंगल बनाने, पैरेललोग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इनिशियल पॉइंट याद रखिए, फाइनल पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और इस इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के बाद से जो आ गया, ए रिजल्टेंट आर हो गया, और यहाँ पर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। एक और तरीका है इसको कि लास्ट रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हम मान लीजिए कि यहाँ ला करके इसको क्लोज कर दिए इसी डायरेक्शन में, ओके, तब क्या होगा, हमको लिखना पड़ेगा सबका सम, ओके, इज इक्वल टू जीरो, ओके, सबका सम इज इक्वल टू जीरो। ऐसे में क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कॉन्साइड कर गया, तब आप क्या लिखते, ए वेक्टर है ना प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आर वेक्टर। माइनस आर वेक्टर मतलब डायरेक्शन अपोजिट होना है, तो ऑटोमेटिकली ये जो आपने डायरेक्शन दिया इसको रिवर्स करने की ज़रूरत पड़ जाती, तो आर वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में ही आपको रिप्रेजेंट करेगा। और जब आप ऐसे डिनोट कर रहे हैं, मतलब यहाँ नेगेटिव साइन नहीं होगा, ऑलरेडी नेगेटिव के लिए आपने डायरेक्शन को अपोजिट कर लिया है, तो इस तरह से तीनों लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप वेक्टर ऐड कर सकते हैं।